मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 लिविंग प्लेसेस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 10 को कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें दिया हुआ एंट्स, टर्माइट, बीज एंड सम वेस्प आर सोशल इंसेक्ट। एंट्स, टर्माइट, बीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? सोशल इंसेक्ट्स होते हैं। दे लिव इन कम्युनिटीज, वो एक समुदाय में रहते हैं। द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन वन अनदर, और जितने भी मेंबर्स होते हैं उस कम्युनिटी के वो डिपेंड एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। येट ईच ग्रुप हैज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, तो जो हर एक ग्रुप होता है वो सबका अलग अलग तरीका होता है रहने का। दे फीड एंड प्रोटेक्ट वन अनदर, वो एक दूसरे को खिलाते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा भी करते हैं। दे रेज एंड केयर फॉर देयर यंग वंस, वो क्या करते हैं? अपने यंग वंस का भी देखभाल करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एंट्स के बारे में। एंट्स आर सोशल इंसेक्ट लिविंग इन लार्ज ग्रुप्स। एंट्स क्या है? एक सोशल इंसेक्ट्स है जो कि एक बहुत ही लार्ज ग्रुप में रहती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कॉलोनीज। दे बिल्ड देयर शेल्टर एंड सर्च फॉर फूड, वो क्या करते हैं? अपने शेल्टर को बनाते हैं और खाने की तलाश में निकलते हैं। द एंट नेस्ट मे बी अंडरग्राउंड इन अ माउंड और इवन अमॉन्ग द ट्री टॉप्स, जो एंट का जो नेस्ट होता है वो अंडरग्राउंड होता है मिट्टी के अंदर मीन्स, और या फिर ट्री टॉप्स में। एन एंट कॉलोनी इज़ अ वेरी बिजी प्लेस, जो एक एंट की कॉलोनी होती है वो बहुत ही बिजी प्लेस होती है। सम ऑफ देम आर वेरी क्राउडेड, कुछ अतः बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड होते हैं। दे मे बी 100,000 और इवन मिलियंस ऑफ एंट्स इन अ सिंगल कॉलोनी, और एक कॉलोनी में 100 होते हैं, थाउजेंड होते हैं या फिर मिलियन भी होते हैं। दे लिव टुगेदर एंड हैव एन ऑर्गेनाइज वे ऑफ लिविंग, वो क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं और एक ऑर्गेनाइज वे में जीते हैं एक साथ, ठीक है। ईच मेंबर हैज़ अ जॉब टू डू फ्रॉम लेइंग एग्स टू फाइटिंग और गार्डिंग, हर एक मेंबर के पास जॉब है अंडा देने से उसके बाद लड़ाई तक या फिर गार्डिंग का काम हो। सारे चीज़ें क्या करते हैं? हर एक मेंबर अपना अपना काम अच्छे तरीके से करता है। द क्वीन एंट ले एग्स, जो क्वीन एंट होती है वो अंडा देती है। विदाउट हर अ कॉलोनी वुड डाई, उसके बिना जो कॉलोनी है वो ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी। सम कॉलोनीज हैव वन क्वीन, कुछ कॉलोनीज के बाद वन होती हैं, एक ही क्वीन होती है। अदर कॉलोनीज हैव सेवरल क्वीन्स, और भी बहुत सारी जो कॉलोनीज होती हैं उसमें और भी क्वीन्स होते हैं। द क्वीन्स आर फेड एंड अटेंडेड बाई द वर्कर, क्वीन्स होते हैं वो खिलाते हैं और वर्कर्स अटेंड करती हैं। मेल एंट्स मीट विद द क्वीन, मोस्ट मेल एंट्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, जो मेल एंट्स होते हैं वो सिर्फ कुछ ही हफ्ते और मंथ्स के लिए ही जिंदा रह पाते हैं। दे डू नॉट वर्क, वो काम नहीं करते हैं। दे डाई शॉर्टली आफ्टर मीटिंग विथ यंग क्वींस, वो क्या करते हैं? वो मर जाते हैं यंग क्वींस के साथ मीटिंग के बाद वो मर जाते हैं। वर्कर्स आर द फीमेल एंट, जो वर्कर्स होते हैं वो क्या होती हैं? फीमेल एंट्स होती हैं। दीज एंट्स आर स्मॉलेस्ट, और वो जो एंट्स होती हैं वो छोटी होती हैं। बट दे डू मोस्ट ऑफ द वर्क, लेकिन वो बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग फूड एंड बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द नेस्ट, क्या करती हैं? सारे काम मीन्स खाने से लेकर के बिल्डिंग, फिर उसके बाद नेस्ट को मेंटेन कैसे करके रखना है, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर एंड एंट्स को ही होती है। दे केयर फॉर द क्वीन एंड हर यंग वंस, वो क्या करते हैं? अपनी क्वीन की देखभाल करते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं यंग वंस उनकी भी देखभाल वही करते हैं। दे स्टोर फूड इन स्पेशल चैम्बर, वो अपने खाने को भी एक स्पेशल चैम्बर में स्टोर करके रखते हैं। सम वर्कर एंट आर सोल्जर्स, और कुछ सम जो वर्कर एंट होते हैं वो सोल्जर होते हैं। दे फाइट इनिमीज एंड डिफेंड द क्वीन, वो दुश्मनों से लड़ते हैं और अपने क्वीन को बचाते हैं। दे चेज अवे द इंसेक्ट विच कम टू अटैक द कॉलोनी, वो उस इंसेक्ट को भी भगाते हैं जो उनकी कॉलोनी पे अटैक करने के लिए आते हैं। दस दे प्रोटेक्ट द कॉलोनी, इस तरह से वो अपनी कॉलोनी को बचा करके रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे हनी बीज के बारे में। हनी बीज लिव इन ग्रुप इन बी हाइव्स, हनी बीज जो ग्रुप्स में रहती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं बी हाइव्स। देयर मे बी 50,000 to 80,000 बीज इन अ हाइव, कितने मीन्स 50,000 to 80,000 बीज होते हैं और एक हाइव में। देर इज़ वन क्वीन बी, जिसमें कि एक क्वीन बी होती है जो कि अंडा देती है। ड्रोन और मेल बीज हेल्प इन रिप्रोडक्शन, और जो मेल बीज होती है जिसको हम लोग ड्रोन बोलते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। द वर्कर्स
बीज क्लीन बिल्ड एंड प्रोटेक्ट द बीहाइव। जो वर्कर्स बीज होते हैं वो साफ करते हैं, सफाई मीन्स रखते हैं, बनाते हैं और अपने बीहाइव की सुरक्षा करते हैं। दे लुक आफ्टर द यंग वंस, दे कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स। वो क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं यंग वंस उनकी भी देख रेख करते हैं और फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट भी वही करते हैं। तो ये आज हमने एंट्स और हनी बीज के बारे में पढ़ा है, आप लोग इसे पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिविंग इन ग्रुप्स से पढ़ेंगे।